Good morning, students. Our today's chapter is Time to Celebrate. Okay, our today's chapter is Time to Celebrate. So festival are times for celebrations. ठीक है, जो भी festivals होते हैं वो एक ऐसा time होता है, celebration का time होता है. Okay, now वी गेट टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमारी जो भी फ्रेंड्स हैं एंड जो फैमिलीज हैं उनके साथ में हम एक साथ होते हैं एंड टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए. नाउ रीड द क्लूज. यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं एंड द फेस्टिवल, और फिर आपको उन क्लूज को अच्छे से रीड करना है और इन फेस्टिवल्स का नेम बताना है. पिक योर आंसर फ्रॉम द हिंट एक्सप्लोरर. ठीक है, और यहाँ पे आपको हिंट एक्सप्लोरर दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने आंसर पिक कर सकते हो. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. ठीक है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो 25th December को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, हर साल 25 December को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जीसस क्रिस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल हो गया अपना, सो दिस इज क्रिसमस. दिस इज क्रिसमस, कौन सा फेस्टिवल हो गया ये, क्रिसमस. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द फेस्टिवल इज ऑल्सो नाउन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको लाइट्स का फेस्टिवल भी बोला जाता है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये क्या सारी लाइट्स है, तो इस फेस्टिवल ये कौन सा फेस्टिवल हो गया अपना, सभी जानते हैं अपन, सो दिस इज दिवाली. ये कौन सा फेस्टिवल हो गया, दिवाली. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस फेस्टिवल इज नाउन इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ये ऐसा फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, जैसे ये लाइट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हो गया, वैसे ही ये फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. तो ये कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, सो दिस इज होली. ये होली फेस्टिवल हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ गुरु नानक. गुरु नानक का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एंड अदर सिख गुरुज, और इसके अलावा जो सिखों के दूसरे गुरु हैं उनका भी क्या किया जाता है, इसमें सेलिब्रेशन किया जाता है. नाउ ये जो फेस्टिवल है कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, गुरु पर्व. सो दिस इज गुरु पर्व. ठीक है, ये गुरु पर्व हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ ए 30 days लॉन्ग फास्ट कॉल्ड रमजान. ठीक है, 30 days तक इसमें क्या किया जाता है, फास्ट किया जाता है, और ये लॉन्ग फास्ट होता है, और इन लॉन्ग फास्ट को क्या कहा जाता है, रमजान कहा जाता है. और ये जो फेस्टिवल है कौन सा फेस्टिवल हो गया, ईद उल फितर. ठीक है, सो दिस इज ईद, इसको देखो ईद अल फितर भी बोला जाता है, ईद उल फितर भी आप बोल सकते हो. ठीक है, सो ये फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल हो गया, ईद अल फितर. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एज यू कैन सी हियर एक्सप्लोर दिस. हैव यू सीन हाउ द स्काई इज कवर्ड इन ग्रे स्मॉग आफ्टर वी ब्रस्ट क्रैकर्स. ठीक है, क्या आपने कभी भी देखा है, चाहे आप दिवाली पे या फिर होली पे, जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हो, ठीक है, क्रैकर्स बर्स्ट करते हो, पटाखे जलाते हो, ठीक है, तो जब भी आप पटाखे वटाखे जलाते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप ऊपर की तरफ देखते हो वो किसकी तरफ, स्काई की तरफ, तो जो स्काई है उसमें ग्रे कलर की स्मोक आपको दिखाई देती है. सो क्रैकर्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है, ये क्या एनवायरनमेंट है, तो ये जो क्रैकर्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए भी बैड है और इन्वायरमेंट के लिए भी बैड है. से नो टू क्रैकर्स दिस दिवाली. तो इस दिवाली आपको क्या करना है, क्रैकर्स को यूज नहीं करना है, क्रैकर्स को ब्रस्ट नहीं करना है. सो नाउ दिस चैप्टर इज टाइम्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. ठीक है,
So I hope you understand. And in our next class, we will discuss about our next chapter. So thank you.